बिजनौर खबर टीवी में आपका स्वागत है। बिजनौर में दिल दहला देने वाली घटना, 50 साल का विजेंद्र कुमार बना हैवान, उठाकर ले गया गन्ने के खेत में 8 साल की बच्ची, किया उसके साथ रेप। बच्ची चीखती रही चिल्लाती रही, लेकिन हैवान को जरा भी नहीं आया रहम और करता रहा बच्ची के साथ हैवानियत। दरअसल आपको बता दें कि किरतपुर के एक गाँव के रहने वाले नाना ने पुलिस से बताया कि मेरी देवती मेरे घर छुट्टियों में घूमने आई थी, जो अरुण कुमार की ट्यूबवेल पर नहा रही थी। तभी वहां पर मोहल्ले का ही रहने वाला विजेंद्र पुत्र संते आता है और बच्ची को जबरदस्ती उठाकर खेत में ले जाता है और बच्ची के साथ रेप करता है। बच्ची की शोर शराबे की आवाज सुन वहां पर खेल रहे बच्चों ने बच्ची के परिजनों को बुलाया, जिन्हें देख विजेंद्र बच्ची को खेत में छोड़कर भाग गया। बच्ची खेत में घायल अवस्था में परिजनों को मिली, जो खून से लथपथ थी। बता दें कि बच्ची का मेडिकल करा दिया गया है और पुलिस आरोपी विजेंद्र की तलाश में जुटी हुई है। आप लोगों की ऐसे दरिंदे लोगों के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करें और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये आरोपी जल्द पकड़ा जाए। किस टाइम गई थी? खेल रही थी, खेल। अच्छा, खेल रही थी, साइकिल चला रही थी। ये तो दो हमारे थे, बताओ। खेल नहीं थी, साइकिल चला रही थी। अब उस पर बैठा था पुलिया को, अरे तू पिंकू की, तू संजय की और तू पति की पोती, और उसका हाथ पकड़ कर लिख गया। अरे ये जानती है, हाँ ये जानती ना हम, उसका हाथ पकड़ कर लिख गया। अब अभी ये खेल लेते ना, खून निकल जाता ना, हम देखो भाई भांजी छोटी छोटी में बालक कह रहे हैं, खून निकल जाता ना, हम कहाँ के रहने वाले हो? क्या घटना हुई आपके साथ? हमारे साथ ही भैया है, लड़की छुट्टी में आई हुई थी आपके घर। हाँ जी, आप कौन लगते हो इनके? मैं लड़की के नाम का लगता हूँ। अच्छा, क्या घटना हुई है? घटना ऐसी हुई है, लड़की को नहारी थी हम, मतलब नहारे थे नाली पे, और वो नहा पे तीन बच्चे और साथ में थे, उस लड़की को पकड़ कर वो लड़का वो आदमी और एक में ले गया। कौन लोग थे वे? हाँ जी, आप जानते हो उन्हें? हाँ जानते हैं जी, आपके गांव बस्ती की है वे? गांव की है। क्या नाम है उनका? विजेंद्र। पापा का नाम क्या है उनके? वो संते। शेखपुर लाला, वहाँ जो है हैवानियत जो है करती है वो ये है, मात्र 7.5 या 8 साल की बच्ची है, उसकी साथ जो है दरिंदगी करी गई है, और वो अपनी नानी के यहाँ छुट्टियों में आई हुई थी और उससे जो है हैवानियत करी है। ये देख लो, वो इंसान नहीं होने का, वो दरिंदा ही होगा, राक्षस ही होगा। पुलिस कह रही है कि उसकी गिरफ्तारी हो गई है, तो गिरफ्तारी हम खुद देखने जा रहे हैं इस टाइम हुई है नहीं हुई। ये इतनी बड़ी घटना है कि प्रशासन को और जितने भी लोग हैं उन्हें तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए या डूब के मर जाना चाहिए।